मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सूचना के बाद एक मकान में किराए पर रहने वाले युवक युवती को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर पुलिस की सुपुर्द कर दिया। पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब उन्हें पता चला कि पकड़ा गया लड़का मुस्लिम समुदाय का है और युवती हिंदू है। युवती के परिजनों की शिकायत पर हिंदू नाम बताने वाले मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेजा गया है। 20 नवंबर की शाम पीतल नगरी क्षेत्र के रहने वाले हरिओम नाम के व्यक्ति की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एक घर पहुंचे। वहां पर किराए का कमरा लेकर रह रहे संदिग्ध युवक हनी और उसके साथ युवती से पूछताछ की तो युवक ने अपने आप को हिंदू बताते हुए अपना नाम हनी बताया। बिजनौर का एड्रेस दिया था, मतलब बिजनौर का उसने जो आईडी दी है आधार कार्ड, वो बिजनौर का एड्रेस था। उसने संदिग्ध दिखा, एक आईडी तो ठीक लग रही थी लेकिन एक आईडी संदिग्ध दिख रही थी। उसकी हमने जांच भी कराई थी तो उसमें मतलब वो नंबर शो नहीं कर रहा था आधार कार्ड का। तब हमने ये जानकारी थोड़ी सी और निकालनी चाहिए, तब आज शंकर नाम बताया। पहले तो हमने शंकर नाम बताया था और आईडी पर हनी नाम आया है, इसलिए और थोड़ा संदिग्ध हुए। उन्होंने ये कहा था कि ऑनलाइन मतलब हम काम करते हैं, मार्केटिंग का ऑनलाइन काम करते हैं। इसी तरह युवती ने भी अपना हिंदू नाम बताया, लेकिन काफी देर तक कुछ पूछताछ में युवक की असलियत सामने आ गई। वह बिजनौर जनपद का शाकिर निकला जो अपना नाम और धर्म बदल कर रह रहा था। उसके पास से 4-5 लैपटॉप और अन्य सामान भी उसके कमरे से मिले हैं। एसपीसीटी रणविजय सिंह के अनुसार एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि एक मुस्लिम युवक ने उसकी बेटी को बहला फुसला कर उससे निकाह कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। पकड़ा गया युवक अपना नाम बदल कर पीतल नगरी इलाके में रह रहा था। को शाम में 7 बजे SHO कटघर को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि एक हनी उर्फ शाकिर नाम का व्यक्ति अपना नाम बदलकर और बहुत सारे प्रलोभन देकर उनकी बेटी के साथ निकाह किया और उसके बाद उनका धर्म चेंज कराया और काफ़ी दिनों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। इस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो अभियुक्त था शाकिर उर्फ हनी, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसमें एविडेंस के आधार पर इसमें इस विवेचना का निर्धारण किया जाए। आरोपी मूलतः बिजनौर का रहने वाला है लेकिन अभी वर्तमान में पीतल नगरी थाना कटघर क्षेत्र में ही निवास कर रहा था। कटघर पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच करते हुए आरोपी हनी उर्फ शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। सी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।